इस क्षेत्र के लाखों लाख हिंदू जनमानस की आस्था के केंद्र है। इससे हिंदू जनमानस काफी आहत हुआ और मेरे सभी हिंदू जनमानस के आह्वान पर मैं हमारे विधायक बहन सैयदा खातून को निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण में वो गई, उनका सम्मान वहाँ के पुजारियों द्वारा किया गया। हमने सबको इन्वाइट किया और सबको इन्वाइट करने के बाद जो हमारे पास गया हमने उनका स्वागत किया। भाजयते हन उतारो मे गुणाब्ध चक्रवर्तीर्तनुर्जा सर्वभौमाय मंगलम सर्वभौमाय मंगलम ओम मापोहितामयो भुवतान उर्जे दधातनं महीरणाय चक्षसे। माँ बलुआ माता का यह स्थान बहुत ही पवित्र सिद्ध स्थल है। यहाँ पर हमारे नगर पंचायत के ही नहीं आसपास के कई जनपदों के भक्तजन माता रानी के इस दरबार में आते हैं और अपनी मनोती को पूरा करते हैं। कल यहाँ सत्यचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया था जिसमें कल कुछ अपने ही लोगों ने यहाँ की विधायक सैयदा खातून को बुला करके और हिंदू जनमानस को चढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ इस मंदिर की जो पवित्रता है, जो इसकी दिव्यता है, इसको भंग करने का प्रयास किया गया। और कोई एक गौ मांस खाने वाले को अगर किसी शक्त स्थल पर बुलाया जाएगा तो निश्चित ही उसकी पवित्रता, उसकी सिद्धता भंग होगी। और कल जब वो आई तो हम लोगों को लगा कि हमारी माँ का यह मंदिर जो करोड़ों करोड़ इस क्षेत्र के लाखों लाख हिंदू जनमानस की आस्था के केंद्र है। इससे हिंदू जनमानस काफी आहत हुआ और मेरे सभी हिंदू जनमानस के आह्वान पर मैं अपने साथियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज माँ बलुआ समय माता जी के स्थान पर सुबह से ही आया हूँ। संतोष पासवान जी के साथ और अपने तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि इस मंदिर की देख रेख करते हैं, विधि विधान से पूजन और इत्यादि सारी व्यवस्थाएं करते हैं। इनकी भावनाओं को आहत देखकर मैं भी आज सुबह बड़ी चाफा से चलकर यहाँ पर आया और वैदिक ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से, जो कि सैयदा खातून के आने से जो आस्था आहत हुई थी और जो गौ मांस खाकर या क्या करके यहाँ पर आती हैं, केवल हिंदू समाज को चढ़ाने का कार्य किया जाता है। हम लोगों को मनोबल न टूटने पाए हिंदू जनमानस का, इसलिए आज हमने गंगा जल से, गौमूत्र से और गौ गोबर से, पंचगव से, वैदिक विधान से माँ का यह दरबार पुनः पवित्र किया कर दिए हैं। और माता रानी के समस्त भक्तों से निवेदन है और उनसे उन्होंने यह विश्वास दिलाता हूँ कि माता रानी का यह दरबार ये शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। किसी भी धर्मी के द्वारा, किसी गौ मांस खाने वाले के द्वारा इसकी पवित्रता हम भंग नहीं होने देंगे। और आज शुद्धिकरण करके पुनः माता रानी के दरबार को हम सभी लोग शुद्धिकरण किए हैं, विधि विधान से पूजन किए हैं और एक बार पुनः माता रानी के भक्तों से निवेदन करते हैं कि आप आए और आपकी आस्था और का सम्मान हम सभी लोग निश्चित ही करेंगे। पीसी की गई है आप लोगों के द्वारा, क्या मामला है? मेरा नाम सूर्य प्रकाश उपाध्याय, विधायक पटनी डुमरियागंज। गहरौला समय माता के स्थान पर महासचंडी यज्ञ चल रहा था जिसमें वहां के पुजारियों द्वारा हमारे विधायक बहन सैयदा खातून को निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण में वो गई, उनका सम्मान वहां के पुजारियों द्वारा किया गया और बहन जी ने, हमारे विधायक जी ने उस सम्मान में कुछ वहां दान स्वरूप दान दिया और वहां से चली आई। हाँ गुरु जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री कृष्ण दत्त शुक्ला है। आपने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था? हम वहाँ कार्यक्रम करने के लिए बलुआ समय माता स्थान पर महासचंडी यज्ञ का आयोजन किया। तो हमारे डुमरियागंज विधानसभा में जितने प्रत्याशी थे हमने सबको इनवाइट किया और सबको इनवाइट करने के बाद जो हमारे पास गया हमने उनका स्वागत किया, वो हमको स्वागत किए और जिसको नहीं जाना था वो नहीं गए। मगर उस स्थान पे ये है कि बहन जी को वहाँ क्यों बुलाया गया, तो जितने धार्मिक स्थल हैं उन पे अगर मुसलमान नहीं जाते हैं तो आज जो मुसलमान उस जगह पर बैठे हुए हैं या वहाँ कार्यक्रम करने गए हैं तो क्या ये विरोधियों के बाप हैं क्या? हमको यही एक चीज की जानकारी चाहिए कि जो वहाँ विरोध करने गए क्या ये उनके सगे हैं?
जो आज मुसलमान वहाँ बैठ करके अपना मुंडन कर रहे हैं, मंदिर घूम रहे हैं, क्या आज वो मंदिर अपवित्र नहीं होंगी?